स्पाइडरमैन, वॉल्वरीन, थोर, साइक्लोप्स, आयरन मैन, डेयरडेविल, हल्क, सिल्वर सर्फर. व्हाई आई एम काउंटिंग दिस नेम्स ऑफ मार्वल कॉमिक बुक्स, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु लाइक्स मार्वल सुपर हीरोज. आपने भी कई सारी सुपर हीरो की फिक्शनल मूवीज तो देखी होगी, जैसे कि मैन ऑफ स्टील, एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, वेनम, और कोई ना कोई आपकी फेवरेट तो जरूर होगी. और इसी मार्वल कॉमिक बुक का एक इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है वेनम, जिसके दो पार्ट्स तो आ चुके हैं और तीसरा कमिंग सून है, और हाल ही में जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है. तो आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर पर बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी. हमने सुपर हीरो स्पाइडरमैन की मूवी तो देखी थी, जिसमें वेनोम का भी एक कैरेक्टर था. हालांकि उस कैरेक्टर पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन वो था तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी मूवी 2018 में इसी कैरेक्टर पर बना दी गई थी. लोगों को मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी. इसके बाद इस मूवी का दूसरा पार्ट भी वेनोम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज किया गया था, और उसे देखने के बाद तो फैंस उसके थर्ड पार्ट के लिए भी ईगरली वेट कर रहे थे. और अब फाइनली इस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट वेनम द लास्ट डांस भी आने वाला है, जिसमें आपको हाई क्वालिटी एक्शन, फिक्शन, सस्पेंस से भरपूर एक यूनिवर्स दिखाई देने वाला है. थर्ड पार्ट को डायरेक्ट किया है कैली मार्सेल ने, जिसे रिलीज किया जाएगा 24th of October 2024 को. बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर शुरू होता है टॉम हार्डी उर्फ एडी ब्रॉक के साथ, जो अपने आप को मैक्सिको में पा रहा है, और सड़कों पर चलते चलते वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है. वैसे तो दोनों पार्ट्स में वो कहीं लॉस्ट ही था. चलते चलते एडी ब्रॉक जाता है डॉग शेल्टर में और वहाँ के दरवाजे तोड़ता है. तभी कुछ लोग एडी ब्रॉक पर हमला करते हैं, और फिर वेनम गुस्से में जाकर वहाँ के दरवाजे तोड़ देता है, और केज के अंदर सारे डॉग्स निकल कर उन पर हमला करते हैं, क्योंकि जब वो एडी ब्रॉक पर हमला कर रहे थे तो उन्होंने डॉग्स की परवाह नहीं की थी, और अब डॉग्स उनकी परवाह क्यों करेंगे, और डॉग्स भी उन पर हमला करने लगते हैं. फिर एडी ब्रॉक की बॉडी से वेनम बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक फनी मोमेंट भी हमें देखने को मिलता है वी आर वेनम का. बात करें ट्रेलर के दूसरे सीक्वेंस की, तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आखिर चल क्या रहा है. एडी ब्रॉक एक लैब में जाता है, जिसे वहाँ पर बहुत सारे सिम्बॉइड्स दिखाई देते हैं, और इसके बाद आता है बहुत ही अजीब सा सीन, जहाँ पर एक आदमी टेबल पर बैठे हुए दिखाई देता है, और उस टेबल पर सिम्बॉइड्स के कुछ पार्ट्स भी रहते हैं, और जब वो उसे टच करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर अल्बर्ट टेलर आ जाते हैं और उस सिम्बॉइड्स को पकड़ लेते हैं. वैसे तो हमने देखा था कि टॉम हार्डी का जो वेनम था वो अपने यूनिवर्स में वापस लौट चुका है, लेकिन उसके पार्ट्स अभी भी धरती पर रह गए हैं. और दूसरी तरफ हमें ये भी समझ में आता है कि एडी ब्रॉक और वेनम की लाइफ इतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर भाई साहब भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, और उनके पास भी काफी हाईटेक गैजेट्स हैं, जो वेनम को कहीं पर भी चेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है. और बात करें आगे की, तो ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे शॉट्स दिखाई देते हैं जहाँ पर धरती पर हमला हो रहा होता है, और वेनम कहता है कि उनके लोगों ने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन इसके बाद हम वेनम को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखते हैं. लेकिन भाई ये मॉन्स्टर तो वेनम के प्लेनेट का है ही नहीं, यहाँ तक कि वेनम खुद उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है. मार्वल कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंग ये बड़ा सा मॉन्स्टर जेनोफिजियंस हो सकता है, जो वेनम का सफाया करने के लिए आया है, और इनका काम सिम्बॉइड्स को खाना होता है. और इस सीन के बाद हमें देखने को मिलते हैं डिटेक्टिव मेलिगन, जिनको हमने लास्ट मूवी में भी देखा था, और इसके बाद ट्रेलर के आखिर में हमें एडी ब्रॉक एक क्रैश प्लेन में दिखाई देते हैं, जहां पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, और वेनम उनसे कहता है कि अब इन सब चीजों को खत्म करने का वक्त आ गया है. वेल, इसके दो पार्ट्स तो हमने देख लिए, लेकिन इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है, और खबर ऐसी भी आ रही है कि शायद ये इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट हो सकता है. वेल, अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए ट्रेलर देखिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें.